मैं भारत की प्रगति और तो आजम खान विधानसभा पहुंचे हैं और विधायक की सदस्यता लेते नजर आ रहे हैं उन्हें सदस्य, और अब्दुल्ला आजम भी जो उनके बेटे हैं वो भी नजर आ रहे हैं, सदस्यता ले ली है और ये सदस्यता दिलाई है सतीश महाना ने जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आजम खान ने विधायक की शपथ ली है, उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी सदस्यता ली, उनके साथ मौजूद हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं ये सदस्यता सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने दिलाई है। तो सदस्यता ग्रहण कर ली है आजम खान ने विधायक की और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सदस्यता सतीश महाना ने दिलाई है, सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आजम खान ने विधायक पद की शपथ भी ले ली है। तो आजम खान ने विधानसभा सदस्यता की सदस्य ले ली है और इसके साथ ही सतीश महाना ने उन्हें ये सदस्यता दिलाई है, विधायक की पद की ये सदस्यता आजम खान को दिलाई है सतीश महाना ने। आजम खान ने विधानसभा सदस्य पद की सदस्यता भी ली है, शपथ ली है और इसके साथ ही आजम खान विधायक की पद की शपथ ले चुके हैं। तो उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं। तो आजम खान ने विधानसभा सदस्यता की सदस्य ले ली है और इसके साथ ही शपथ उन्होंने ले लिया है और ये शपथ उन्हें दिलाई है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं और आजम खान ने विधायक की पद की शपथ भी ले ली है और इसके साथ ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ मौजूद हैं। और भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो आज आजम खान ने विधायकी पद की शपथ ले ली है और इसके साथ ही कुछ ही देर बाद बजट सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है और इसके पहले हमने आपको दिखाया कि एमएलसी जो सपा एमएलसी है उनका प्रदर्शन भी दिखाया जो कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर के वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। तो सदन में हिस्सा लेने से पहले ही वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे और इसके साथ ही आपको सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर का भी बयान सुनाया, उन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर के वो मुद्दा उठाएंगे और उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि रक्षक ही अब भक्षक बन गया है। तो ये बड़ी अहम जानकारी आपको एक साथ दे रहे हैं और इसके साथ ही मोहम्मद सफी हमारे साथ विधानसभा से बाहर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सफी, जिस तरह से आजम खान ने सदस्यता भी ले ली है और इसके साथ ही उनके साथ अब्दुल्ला आजम भी मौजूद है, क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है विधानसभा के बाहर? बिल्कुल, देखिए अगर नजारे की बात करें तो आज बहुत गहमा गहमी होने वाली है सत्र के जब शुरू होगा और विधानसभा के अंदर होगा। बाहर की बात एमएलसी